सो दोस्तों, जिस चीज का आप सभी को इंतजार था यानी कि ड्रैगन बॉल काकुमी के नेक्स्ट पार्ट का, आज मैं वापस से वो अपलोड करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, साथ ही मैं ड्रैगन बॉल काकुमी के सारे क्रिएटर्स के लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सभी उनको भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। सो बिना किसी फर्दर डिले के अपने इस पार्ट को भी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट के अंदर हम सभी ने देखा था कि वेनरेबल हेयर अब यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है, जिसका रियल नाम था एमरोन। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि एमरोन सगाला और बाकी सबको लेकर एंजल क्यूब के अंदर बैठ जाता है और वो कहीं पर जाने लगता है। तभी सगाला एमरोन से पूछता है कि माय लॉर्ड, अब हम आखिरकार कहां पर जाने वाले हैं? एंड एमरोन कहता है कि हम ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस में जाने वाले हैं। और ये सुन के दोनों लोग शॉक रह जाते हैं कि क्या ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस में? लेकिन वहां पर जाने का रास्ता तो सिर्फ और सिर्फ एंजल्स को पता है, यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी नहीं मालूम होता है। और एमरोन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर 100 साल बाद ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस की जगह चेंज होती रहती है और हमको मालूम है कि पहले 12 यूनिवर्सेस थे तो सभी यूनिवर्सेस दो दो के पेयर में रहते थे, लेकिन अब 18 यूनिवर्सेस हो चुके हैं तो वो सभी तीन तीन के पेयर में होंगे। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्स एक साथ हैं, और हम सभी देखते हैं कि एमरोन उसके बाद कहता है कि जैसे ही हमारे जो कि तीन यूनिवर्स जुड़े हुए हैं, अगर हम उनके पास चले गए तो उन बाकी के दो यूनिवर्सेस के बाद हम सभी को एक पोर्टल दिखाया जाएगा, जिस पोर्टल के अंदर से ही हम ग्रैंड प्रीस्ट के पास जा सकते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि उनका क्यूब लैंड होता है यूनिवर्स 10 के एक प्लैनेट के अंदर, और हम सभी देखते हैं कि ये प्लैनेट होता है क्विटेले का। उसके बाद अचानक से हम सभी को दिखाया जाता है कि डोला वहां पर एक अपनी काफी बड़ी शील्ड सी बना लेता है, उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है और वो कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, आप सभी के गॉड लॉर्ड एमरोन भी यहाँ पर पधार चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी उनके सामने अपना सर झुकाओ। सभी लोग अचानक से शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन है और आखिरकार ये चीज क्या है जो इतनी बड़ी हो चुकी है और ये कैसे चिल्ला सकती है। और हम सभी देखते हैं कि वो लोग बिल्कुल भी उनकी बातों में ध्यान नहीं दे रहे होते। तभी डोला अपने जादू से सभी लोगों को एमरोन के आगे झुका देता है और हम सभी को दिखाई दे रहा होता है कि ये सब अपनी मर्जी से झुके हुए नहीं होते। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि उन सभी लोगों के बीच में से तीन लोग अचानक से सामने आते हैं और सगाला कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉर्ड एमरोन के बीच में आने की कोशिश कर रहे हो। और हम सभी देखते हैं कि ये तीनों वही होते हैं जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं यूनिवर्स 10 की तरफ से। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर उनमें से एक कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और हमारे प्लैनेट में आखिरकार क्या कर रहे हो। और यहाँ पर डोला कहता है कि हम यूनिवर्स 14 के अंदर से आए। तभी हम सभी देखते हैं कि वो शख्स वापस से कहता है, क्या यूनिवर्स 14? बट जब ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट किया था, हम सभी को तो बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स 12 ही एग्जिस्ट करते हैं। और हम सभी देखते हैं कि उसको समझ में आ जाता है कि शायद से ये वही प्लैनेट है जिससे हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट ने सूचना दी थी। और यहाँ पर सगाला और डोला उनसे कहते हैं कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन अभी के अभी तुम सब झुकोगे हमारे लॉर्ड एमरोन के सामने क्योंकि ये न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और हम सभी देखते हैं कि वो लोग ऐसा करने से मना कर देते और कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो तुम्हें हमसे पहले फाइट करना पड़ेगा। हम सभी देखते हैं कि एमरोन को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि क्विटेला को भी पता चल जाता है कि आखिरकार उनके प्लैनेट के अंदर कोई आ चुका है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और क्विटेला का एंजल कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे ये किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी जैसा सेंस हो रहा है। और क्विटेला कहता है कि आखिरकार कैसे उन सभी यूनिवर्सेस को ग्रैंड प्रीस्ट ने आखिरकार कुछ टाइम के लिए सील कर दिया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। उसके बाद हम सभी को वापस से दिखाया जाता है एमरोन बहुत सारी लाशों के ढेर के ऊपर बैठा होता है और इन सभी को मारा हुआ होता है डोला और सगाला ने। और एमरोन कहता है कि हमने तुम सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम हमारे सामने झुक जाओ, पर तुम्हें ये भी बात पसंद नहीं आई, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम सब नहीं जानते कि ये तो बस एक छोटी शुरुआत है, इसके बाद तुम सभी को नहीं पता कि एक इतनी बड़ी वॉर होने वाली है जिसमें से तुम में से एक भी नहीं बचने वाला, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ मॉर्टल्स, तो तुम्हारी जान को हम बख्श देंगे। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लोग वापस से निकलने लग जाते हैं उसी क्यूब में बैठ के एक और यूनिवर्स के लिए, और वो यूनिवर्स रहता है यूनिवर्स 4। और यहाँ पर एमरोन कहता है कि शायद से इस यूनिवर्स के अंदर जाने के बाद हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाने तक का मौका मिल जाएगा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि क्विटेला और उसका एंजल वापस से आ जाता है और उन सभी को हील कर देता है। और क्विटेला को पता चल जाता है कि आखिरकार ये एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया गया था, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो किसी को भी आराम से मार सकता था। और क्विटेला कहीं ना कहीं समझ जाता है कि इस फाइट के अंदर मॉर्टल्स का बिल्कुल भी काम नहीं रहने वाला। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि एमरोन और उसके बाकी साथी उतरते हैं यूनिवर्स 4 के अंदर, और यहाँ पर हम सभी को काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट किया था।
अब जो कुछ भी हुआ था ग्रैंड प्रिंस और मदर ऑफ ऑल एंजल के साथ में, उसको बीते हुए लगभग यहाँ पर 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन हम सभी को अभी भी नहीं मालूम कि आखिरकार ये सब कुछ काफी होगा। उसके बाद हम सभी आ जाते हैं यूनिवर्स 11 में, जहाँ पर हम सभी को गोहान दिखाया जाता है। गोहान किसी चीज को यहाँ पर काफी घूर के देख रहा होता है और हम सभी को पता चलता है कि जिरेन और बाकी लोगों ने इसको यहाँ पर एक मिशन के लिए भेजा होता है। और यहाँ पर प्राइड ट्रूपर्स का मेंबर कहता है गोहान को वहाँ पर गिए हुए 3 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गोहान को वहाँ पर अकेला जाना चाहिए था। और डिस्पो कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, तो हमें जल्दी जाना चाहिए। और आखिरकार जिरेन तुम्हें उसने वहाँ पर क्यों बुलाया? और जिरेन कहता है कि मुझे भी नहीं पता डिस्पो, लेकिन हमें शायद से वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि गोहान किसी खतरे में हो। और हम सभी देखते हैं कि जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं गोहान के पास, तभी जिरेन कहता है कि आखिरकार किस रीजन की वजह से इसने मेरे को यहाँ पर बुलाया। और डिस्पो भी कहता है कि हाँ अब गोहान को देखो तो सही, जब ये हमारे पास आया था तो वो कितना कमजोर था, लेकिन अब उसका पावर लेवल किसी अलग ही लेवल के ऊपर लग रही है। और हम सभी देखते हैं कि हम सभी को कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जो कि लगभग कुछ दिनों पहले था। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि गोहान और बेलमोंड आपस में बात कर ही रहे होते हैं, और बेलमोंड गोहान से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करना क्यों चाहते थे और तुम प्राइड ट्रूपर्स का हिस्सा क्यों बनना चाहते थे गोहान? और तभी टोपो कहता है कि हाँ गोहान तुम आखिरकार हम सभी से ट्रेनिंग क्यों लेना चाहते थे? तुम तो वेजिटा के साथ भी ट्रेनिंग कर सकते थे क्योंकि हम सभी ने देखा था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में वेजिटा भी काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी यहाँ पर गोहान बताता है कि आखिरकार वो यूनिवर्स 11 के अंदर क्यों आया। और गोहान कहता है कि नहीं, मैंने आपके काई के अंदर कुछ अलग ही फील करा था। और सभी के सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्या हमारे यूनिवर्स के काई के बारे में तुम क्या कह रहे हो? हाँ मुझे पता है कि आपके यूनिवर्स का जो कि काई है के, वो काफी ज्यादा अलग है और वो बाकी कायोशिन से काफी ज्यादा अलग है, जिस वजह से मैं यूनिवर्स 11 के अंदर आया हूँ और बाकी सब ये कुछ समझ नहीं पा रहे होते। तभी गोहान कहता है कि काफी टाइम पहले की बात है, हमारे यूनिवर्स के ओल्ड काई ने मेरे सारा का सारा पोटेंशियल अनलॉक किया था और उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, यहाँ तक कि मैं उस टाइम पे अपने डैड से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। ये खुद मेरे डैड कहते थे, लेकिन मैं कभी भी नहीं मानता कि मैं उनसे ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। तभी ये सुन के काफी सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हम सभी देखते हैं कि मार्गरिटा आगे आती है और वो गोहान के अंदर की सारी मेमोरी चेक करती है। तभी उसको भी पता चल जाता है कि आखिरकार वो के बारे में इतना क्यों सोच रहा है, और वो कहती है कि हाँ गोहान तुम सही हो, हमारा कायोशिन बाकी के सारे यूनिवर्सेस के कायोशिन से काफी ज्यादा अलग है और आखिरकार तुम्हें कायोशिन के बारे में ज्यादा क्या पता है? तभी गोहान बताता है कि मुझे पता है कि कायोशिन किसी के भी अंदर का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ तक कि मेरा जब मेरे यूनिवर्स के कायोशिन ने पोटेंशियल अनलॉक किया था, जब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरे अंदर और भी पोटेंशियल है जो कि उन्होंने अनलॉक नहीं किया था, तब हम सभी देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होता है। ओल्ड काई कुछ देख देख के हंस रहे होते हैं और मार्गरिटा भी समझ जाती है कि आखिरकार तुम्हारा ओल्ड काई कैसे है जिस वजह से तुम्हारा सारा का सारा पोटेंशियल अनलॉक नहीं हुआ था। बेलमोंड कहता है कि आखिरकार अगर तुमको ऐसा ही लगता है तो तुमने अपने ओल्ड कायोशिन के साथ इसके बारे में बात क्यों नहीं की थी? और यहाँ पर गोहान कहता है कि नहीं, मुझे उसका मौका ही नहीं मिला था क्योंकि जैसे ही मेरा थोड़ा पोटेंशियल अनलॉक हुआ था, मुझे वापस से किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाना पड़ा था। तभी हम सभी देखते हैं कि मार्गरिटा कहती है कि अच्छा मैं तुम्हारे अंदर जरा वापस झांक के देखती हूँ। और हम सभी देखते हैं कि मार्गरिटा सारी की सारी वापस से मेमोरीज वगैरह देखती है एंड कहती है कि गोहान सही में तुम्हारा जीवन काफी बढ़िया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आगे कैसा होने वाला है। तुम्हारे डैड जो कि काफी ज्यादा अच्छे थे और तुम्हारी फैमिली भी काफी अच्छी है गोहान। और यहाँ पर गोहान कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा पोटेंशियल वापस अनलॉक से होए। और यहाँ पर डिस्पो कहता है कि क्या जो हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर देखा था, क्या वो तुम्हारी असली पावर नहीं थी गोहान? और गोहान कहता है कि नहीं, वो मेरी असली पावर नहीं थी, मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर से ठीक 1 महीने पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी और उससे पहले मैंने कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी थी। और सभी लोग सुनके ये काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम सभी वापस से ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर आ जाते हैं, जहां पर गोहान काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और वो कहता है हे जिरेन, और जिरेन उसके पीछे ही खड़ा होता है। और गोहान कहता है कि जिरेन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब तक तुम्हारे यहाँ का कायोशिन यहाँ पर नहीं आ जाता और वो मेरा फुल पोटेंशियल अनलॉक कर नहीं पाता, तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम क्या मेरे से फाइट कर सकते हो, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर मैंने तुम्हारे अंदर की एबिलिटी देखी थी। सो दोस्तों, फाइनली अब हमारे गोहान ने जिरेन को फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया है और अब हम सभी को जिरेन और गोहान के बीच में फाइट देखने को मिलने वाली है। और गोहान की बॉडी से ये भी लग रहा है कि गोहान ने अभी तक अपने अंदर काफी सारा इंप्रूवमेंट कर लिया है। सो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, बस आप सभी को भर भर के लाइक करने और जितने ज्यादा कॉमेंट और जितने ज्यादा लाइक होंगे इसका नेक्स्ट पार्ट मैं तभी अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट के अंदर।